नमस्ते नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं नए से प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में, वाह, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1, प्रार्थना। अरे वाह, दिखाई होगा आप लोगों ने प्रार्थना कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रार्थना यानी कि प्रेयर, उसका भाग 1 यानी कि पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रार्थना, वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, और ये जो पोयम है वो मुरारी लाल ने लिखी हुई है। तो पहले हम पोयम समझते हैं और उसके शब्दार्थ है वो भी हम देखते हैं। प्रार्थना, समझ में आई बात? प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रेयर, और प्रार्थना है उसमें बहुत सारी शक्ति समाई हुई है, ऐसा कहा जाता है। प्रार्थना करते हैं तो हमें एकदम शांति फील होती है और मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। हम एक बात रखते हैं कि आप जब भी रीडिंग करने के लिए बैठे हो तब भी एक छोटी सी प्रार्थना को पहले बोलो, उसके बाद आप बैठो तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखते हैं हम, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। चलो अब सबको ज्वाइन होना इस साथ में। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हो गया? चलो तो पहले हम इसको देखते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, यहाँ पे दया निधे का मतलब है ईश्वर परमात्मा। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग जो हमारा है, कर्तव्य मार्ग यानी कि काम करने का जो रास्ता है, वह कि हमें जो काम भी मिले, जो काम हमारे सिर पर है वो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। पर सेवा का मतलब है दूसरों की सेवा, पर उपकार का मतलब है दूसरों को हेल्प करना। हम जग जीवन सफल बनाया जाए, ऐसे काम हम करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा, यानी कि हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं यदि हम दूसरों की हेल्प करें और दूसरों के काम में हम हाथ बटाएं, किसी को हैरान परेशान ना करें, तो हमारा जो जीवन है वह सफल हो सकता है। दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल कर जाए। दूसरों के हेल्प करने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो, ऐसी बात है यहाँ पे कही गई है कि वह शक्ति हमें दो, हे परमात्मा, भगवान से यानी कि गॉड से हमें प्रेयर करनी है कि हे वह शक्ति हमें दो दया निधि, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन को क्या बना सके, सफल बना सके, और ऐसे ही हमारा जीवन सफल होना चाहिए। पर सेवा पर उपकार में ही हमें सफल होना है, ऐसा नहीं कि मैं मेरा ही करूँ बस, दूसरों को मुझे कुछ हेल्प देती वो उसका करे, मैं क्यों उसे हेल्प करूँ? भाई सबको हेल्प करनी है, उसमें क्या है? दूसरों को हम हेल्प करेंगे तो कभी कभी वो हमें हेल्प करेंगे,
तो इस तरह हमारा काम है वह चलता है। यदि आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपको सब लोग हेल्प करेंगे। कभी कभी हमें भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम ऐसा मान ले कि नहीं 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 मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा संभव है? है नहीं? एक बार सोच लो तो। कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक ही बात में बोल रहा हूँ कि आप दो दिन स्कूल पे नहीं आए तो आपकी फेयर बुकिंग कंप्लीट रह गई, तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, पड़ेगी ना? कि दूसरों के पास जाओगे कि भाई मुझे ये तेरी फेयर बुक देना, मेरे इनकम्प्लीट वर्क है। तो इस तरह हम दूसरों को हेल्प करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो हमें हेल्प करेंगे। हम दीन दुखी निबलो विफलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। यदि आपको खुद तो खुद तरना है, यानी कि खुद को अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम दीन दुखी यानी कि जो गरीब है, जिसको सहायता की ज़रूरत है, दुखी है, निबलो यानी कि कमज़ोर है, बेचारे हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, काम नहीं कर सकते, कमज़ोर है। निबलो का मतलब है कमज़ोर। विफलो है यानी कि परेशान है। क्या यार, विफलता आकर बैठ जाती है। कोई इंसान है तो बैठ जाता है, वो दो दिन से नहीं आया तो वो बोल रहा है कि मैं दो तीन दिनों से स्कूल नहीं आया था, मेरी फेयर बुक इनकम्प्लीट है, अभी मैं परेशान हूँ, क्या करूँ मैं? तो आप जाकर बोल सकते हो कि मेरी फेयर बुक ले जा भाई और कंप्लीट करके ले आ, उसमें क्या है? तो आपने उसकी हेल्प की तो आपको भी मज़ा आएगा। तो सेवक बन संताप हरे, यहाँ पे बात की गई है सेवक बन संताप हरे। हरने का मतलब है उससे वो जो संकट है वो हम ले लें और उसकी हेल्प करके उसका जो संताप यानी कि दुख है वो हम ले लें। जो है अटके, बेचारे अटक पड़े हैं यहीं पे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन लोगों के पास जाकर हम हेल्प करें। भूले भटके, कोई रास्ता भूल गया है और इधर से उधर भटक रहा है, तो उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो उनको तारे, यहाँ पे उनको तारने की बात है, तार उनको तारे यानी कि उसको सही रास्ता दिखाए, तो क्या होगा? खुद तर जाए, तो गॉड है वो हमें भी हेल्प करेंगे और हम भी उसके साथ सफल हो सकते हैं, हम भी उसके साथ सफल हो जाएंगे। यदि हम दूसरों को तारेंगे तो खुद तर जाएंगे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चिन्न दूर रहे। छल करने से यानी कि छल कपट करने से दूर रहे, दंभ यानी झूठ मूठ का देखावा करना उसे दूर रहे, द्वेष द्वेष करने से यानी कि ईर्ष्या, इसके पास ये है उसके पास वो है, और भाई कुछ नहीं है तेरे पास क्या है वो कर, यानी कि पाखंड झूठ मूठ का दिखावा, झूठ अन्याय से निश्चिन्न, यहाँ पे बात कही गई है निश्चिन्न, निश्चिन्न यानी कि रात दिन, रात दिन हमें ऐसे लोगों से दूर रहे। ये जो है छल कपट करना, दंभ करना, द्वेष यानी ईर्ष्या, पाखंड करना, झूठ बोलना, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये जो दुर्गुण है वो हमें कभी एक्सेप्ट करने नहीं है, हमारे पास ऐसे आने ही नहीं चाहिए, दूर रखो भाई इसे, क्या है छल कपट, ये अच्छा ही नहीं है। तो हम निश्चिन्न यानी कि रात दिन हम इससे दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल बनाए, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। हमारा जीवन कैसा हो? एकदम शुद्ध और एकदम सरल, इजी होना चाहिए। शुचि का मतलब है पवित्रता, पवित्रता होनी चाहिए। गंगा नदी कितनी पवित्र है, यमुना नदी, ये सब नदियाँ जो है वो एकदम पवित्र है। प्रेम सुधा यानी कि अमृत रस बरसाए।
कि छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चिन्न दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बनाए, सूची यानी कि पवित्र प्रेम रस में हमारा जो सुधा यानी कि अमृत रस बरसाए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो महत्वपूर्ण है। निज यानी अपना, आन बान मर्यादा का यानी कि हमारी मान मर्यादा शान, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभु ध्यान रहे और उसका हमें अभिमान भी होना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया है उस बलिदान उसी पर हो जाए। देश को हमारे बलिदान की आवश्यकता हो तो जैसे सरहद पर सैनिक बलिदान होते हैं उस तरह हमें भी ऐसे प्रिपेयर रहना है कि हम भी बलिदान के हिस्से बन सके। वो नहीं बन सके तो जो हो रहे उसको हेल्पफुल बने हम, तो ही हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। तो इसी तरह मुरारी लाल ने यहाँ पे ये जो प्रार्थना है उसमें हमें यही बात समझाने की बात कही है कि आप लोग ये यहाँ जो मुरारी लाल है उसने भी हमें यही बात बताई है कि प्रार्थना है तो प्रार्थना के अंदर एक एनर्जी है जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। जो प्रार्थना है तो प्रार्थना से हमें कुछ शक्ति प्राप्त होती है, हमें जो कुछ कमजोरियां है हमारी वो चली जाती है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। आप आज की आज प्रार्थना करने लगो और ऐसे ऐसे मेरा काम हो जाए ऐसा नहीं होता है कुछ। तो चलो एक बार पूरी पोयम है वो देख लो, पूरी पोयम देख लो एक बार, बाद में मैं रीड करता हूँ। चलो हम साथ में रीड करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलो विफलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषिदिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना सूची प्रेम सुधारस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कितनी मस्त लाइन है सभी। तो इसी तरह कई सारी पोयम है जो हमें इस तरह का मार्गदर्शन देती रहती है। तो जो फर्स्ट हमारी पोयम है उसके पार्ट वन में ही हमने देख लिया कि ये जो पोयम है वह हमें कितनी सारी बातें बता रही है। फर्स्ट बात ये है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें काम जो करना है उसमें हेल्प करनी चाहिए, और कोई व्यक्ति जो है अकेला है उसके पास कुछ काम नहीं है उसको कुछ परेशानी है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यदि हम उसको हेल्प करेंगे तो उसका काम हो जाएगा, और उसका काम हो गया तो मान लेना कि हमारा काम भी हो जाएगा। हम दूसरों के काम में हेल्प करते हैं तो गॉड जो है वो हमारे काम में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह हमें ये जो प्रेयर है वह नित्य यानी कि डेली करनी चाहिए, एक पोयम जो है हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेयर से ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट हो रही है। कितना अच्छा है कि हमारा स्टार्टिंग ही अच्छा हो रहा है, प्रेयर से हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। ये जो शब्दार्थ है
उसमें आप देख सकते हो कि दयानिधे, तो दयानिधे का मतलब है ईश्वर, पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीना तो असहाय या तो गरीब, निबल यानी कि कमजोर, विफल यानी कि परेशान, संताप यानी कि कष्ट या किसी भी बात का दुख। तो यहाँ पे हमने देखे ये शब्दार्थ, दयानिधे ईश्वर, पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीन तो असहाय, निबल तो कमजोर, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट। अभी आपको भी ये याद कर कर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मीनिंग्स होते ही है, तो आपको भी ये मीनिंग्स याद कर कर रखने हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो छल, छल का मतलब है धोखा, दंभ का मतलब है घमंड, झूठ मूठ का घमंड करते हैं ना, द्वेष का मतलब है ईर्ष्या, पाखंड का मतलब है दिखावा, झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो यह हमने देखा छल, धोखा, दंभ, घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड तो दिखावा, निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो ये जो मीनिंग्स है, ये और ये मीनिंग्स आपको फेसबुक में लिखना होगा। तो सबसे पहले ये मीनिंग्स आपने देख लिए, तो उसके बाद हम एक बार फिर से पोएम है वह देख लेते हैं। ये जो है प्रार्थना, एक बार हम देख लेते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। मेरे साथ आपको भी ये बोलना है, हम दीन दुखी निबलो विफलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निषदिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना सूची प्रेम सुधारस बरसाए, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कितनी मस्त पोयम है, वह बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हमने ये जो शब्दार्थ है वह देख लिए, कि शब्दार्थ में हमें बताया गया दयानिधे तो ईश्वर, पर सेवा तो दूसरों की भलाई, दीन तो असहाय, निबल तो कमजोर, विफल तो परेशान, संताप तो कष्ट, छल तो धोखा, दंभ तो घमंड, द्वेष तो ईर्ष्या, पाखंड तो दिखावा, निष्दिन तो रात दिन, शुचि तो पवित्रता, मर्यादा तो सम्मान। तो मैं आपको ये एक मिनट का वक्त देता हूँ, आप लोग ये पूरी पोयम देख लो एक बार, एक बार शब्दार्थ है वो भी देख लो, फिर से देख लो एक बार कि पोयम में हमने क्या क्या देख लिया और उसका जो शब्दार्थ है उसमें हमने क्या देखा। आपको सिर्फ रीड करनी है और कुछ नहीं, सबका ध्यान है ना इसमें। अब एक बार शब्दार्थ देख लो, देख लिया शब्दार्थ आपने। आपको शब्दार्थ देखने हैं, देख लिए, ओके।
अब आपको याद रखना है, फेयरबुक में आपको सबसे पहले पोएम लिखनी है और पोएम के बाद शब्दार्थ, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, तब लिखना है। और होमवर्क में आपको अभी ये पोएम और शब्दार्थ ही लिखना है, फिर फेयरबुक में उसको अच्छी तरह से लिखना है। ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना। पोएम लिखने के लिए आप कलरिंग पेन का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पोएम लिखने के लिए। डेकोरेशन भी कर सकते हो, लेकिन शब्दार्थ है वो ब्लैक एंड ब्लू पेन से, और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी ब्लैक एंड ब्लू पेन से ही लिखना है। आपको समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, पोएम लिखनी है, शब्दार्थ भी लिखने हैं होमवर्क में, और फेयरबुक में भी पोएम और शब्दार्थ, तो ये काम आपका हो जाना चाहिए। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।